मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप फोन बैंकिंग की बात करती हैं, पिछले 10 वर्ष में आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया? कौन से चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया? कौन से राजनीतिज्ञ के खिलाफ एक्शन लिया? बैठ जाइए, अब सुनने की क्षमता रखिए। ऐसे बीच में खड़े हो जाते हैं, बात बड़ी बड़ी करती हैं, 10 साल आपको मिले, आपने एक चीफ जनरल मैनेजर के खिलाफ एक्शन लिया? जब सरकार ही इतना कर्ज लेती है बाजार से अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने बजट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो आने बंद हो गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती रही, यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही, इसके ऊपर एक नहीं 15 रिपोर्ट है। अध्यक्ष जी 10 साल की बात है, सुन लीजिए। जो बैंक लूट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जो अर्थव्यवस्था की असलियत है वो उजागर कर सकता हूँ। ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रश है। दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर, दिस इज अ ब्लैक ब्रश। और माननीय वित्त मंत्री जी की जो उत्तेजना है उसको पूरी तरह से प्रमाणित करती है। भारत का इतिहास 2014 में शुरू नहीं हुआ था, भारत का इतिहास वर्षों और दशकों पुराना इतिहास है। और अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर। मैं 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी कर रहे थे, हमने ऐसे मूलभूत सुधार किए जिससे इस देश की जो न्यू है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्यू को हम लोगों ने मजबूत किया। सबसे पहला आरटीआई का कानून, सूचना का अधिकार, 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया। 10 रुपए की अर्जी देके आप ब्लॉक से लेके राष्ट्रीय स्तर तक किसी भी सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते थे। मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है और खेद के साथ ये बात कह रहा हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक उस सूचना के अधिकार के किस तरह से परकच्छे उड़े। शिक्षा का कानून कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक पूरे देश में जात धर्म से ऊपर उठकर जिस बच्चे को शिक्षा चाहिए उसको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिछले 10 वर्ष की क्या उपलब्धि रही है? क्या अगर आप नोटबंदी को उपलब्धि मानते हैं तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। अगर आप जीएसटी को जिस तरह से क्रियान्वित किया उसको उपलब्धि मानते हैं, जिसने भारत का सारा लघु उद्योग को कई सालों तक नष्ट कर दिया, तो फिर मैं उसको आपके विवेक पे छोड़ता हूं। मैं उम्मीद करूंगा जब वित्त मंत्री अपना इस मोशन के ऊपर जवाब देंगी तो जरूर इस सदन को बताएंगी कि आपकी सरकार की ऐसी कौन सी 5 बड़ी उपलब्धियां रही हैं आपके 10 साल के कार्यकाल में। अब मैं अर्थव्यवस्था पे आता हूं। अध्यक्ष महोदय, 2004 में जब हम लोगों ने सरकार संभाली तो परिस्थिति क्या थी? 2003-04 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो 4.5% था। 2007-08 में आर्थिक महामंदी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक महामंदी से पहले वो घटकर 2.8% हो गया। जो रेवेन्यू डेफिसिट था कि सरकार के राजस्व में जो कमी थी, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं पहले का भी बताऊंगा, अपना भी बताऊंगा और आपका भी बताऊंगा कि 2003-04 में जो रेवेन्यू डेफिसिट था वो 3.6% था। 2007-08 में वो घटकर 1.2% रह गया। जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था कि जो आप बचत करते हैं जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, वो 2003-04 में 29.8% था,
जो 2006-07 तक बढ़कर 34% हो गया। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो था वो 2003-04 में 28.2% था, जो 2006-07 में बढ़कर 35.9% हो गया। 1998 से लेकर जब 2004 तक आपकी सरकार रही, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, एमएसपी थी, उसको आपने सिर्फ 30 रुपए से बढ़ाया था। 2004 से लेकर 2008 तक वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 300 रुपए बढ़ा था। अब इनकी जो कहानी है वो आंकड़े अपने आप बयान करेंगे। वर्ष 2013-14 में, जिसको आप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में पहुंच गई थी, अर्थव्यवस्था को लकुआ मार गया था, कई कई अलंकरण इस्तेमाल किए गए, रविशंकर प्रसाद जी को तो याद ही होगा। अब उसकी असलियत क्या है? 2013 में जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था वो 34% था, 2022 में वो गिरकर 30% रह गया। जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वो 2013-14 में 60% था, 2023-24 में वो गिर के 56.9% रह गया। जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो था 2013-14 में 33.8% था, और वित्त मंत्री जी जो जवाब आपने दो दिन पहले दिया है उसमें आपने इस बात को कबूला है कि वर्ष 2023-24 में वो गिर के 29.20% रह गया है। कि पिछले जो 3 साल से कोविड के बाद आपका वित्तीय घाटा है जो 17-18 लाख करोड़ की रेंज में चल रहा है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन नहीं कर रहा है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर रहा है। जब सरकार ही इतना कर्ज लेती है बाजार से अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने बजट को बैलेंस करने के लिए, तो जिस निजी क्षेत्र को आपने 2019-20 में इतने बड़े बड़े कंसेशन दिए थे उस निजी क्षेत्र को तो वो मार्केट एक्सेस मिल ही नहीं पाता। मैं आगे चलता हूं। जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन थी 2013-14 में वो 33.8% थी, 22-23 में गिरकर 31.4% रह गए। अब आप बेरोजगारी के दर पे आइए। बेरोजगारी का दर वर्ष 2013-14 में 4.9% था, और सीएमआई की जो 4 मंथ की मूविंग एवरेज है, क्योंकि सरकारी आंकड़े तो आने बंद हो गए हैं, इस देश में पिछले 10 वर्ष में जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। आपने खुद अपने बजट के भाषण में यह बात कही 10वें पैरे में कि 2014 से लेके 24 तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुक्त किया गया। यह बात भी सही है कि 2004 से लेके 14 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। तो जो सरकार 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आती है उस सरकार के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, दे वर एब्सोल्युटली एन इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। ये किस तरह का लॉजिक है कि अगर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को हमारे 10 साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, तो जिस सरकार ने 27 करोड़ लोगों को, और इसका जिक्र आपने अपनी 2020-21 के बजट भाषण में भी किया था, उसकी आप निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब आप सुनने की धैर्य रखें। आपकी एक उपलब्धि मैं जरूर गिनाना चाहूंगा कि वर्ष 2013-14 में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 2.05 ट्रिलियन डॉलर की थी, 2.05 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। जो भारत सरकार का कर्जा था वो 55,87,149.33 लाख करोड़ था। वर्ष 2024 में वो अर्थव्यवस्था 3.75 ट्रिलियन की हो गई, पर जो कर्जा है भारत सरकार का वो 3 गुना बढ़ गया। एंड द टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑन 31st मार्च 2024
is 168,72,554.16 lakh crores. मतलब 10 साल में आपने 112,85,394.83 crore का कर्जा पिछले 10 साल में लिया है। अब मैं आता हूं डॉलर के ऊपर। आप भी प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, मुझे याद है कि डॉलर के बारे में बहुत बात हुआ करती थी। जब भी डॉलर ऊपर जाता था तो उसकी तुलना प्रधानमंत्री की उम्र से की जाती थी। जब हमने 26 मई 2014 को सरकार छोड़ी तो एक डॉलर 58.65 रुपए का था। 4 फरवरी 2024 को वो डॉलर 82.93 पैसे का है। तो उस समय तो डॉलर के ऊपर बहुत उत्तेजना होती थी, बड़ी बड़ी बहस होती थी रोज टेलीविजन के ऊपर। ये कहा जाता था कि डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से तेजी से बढ़ रहा है। आज क्या हुआ? मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं कभी किसी चर्चा का स्तर नहीं गिराता, पर आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि वो आप तब बोलती थी और जब आज जो परिस्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। अभी मैं आगे आता हूं। पिछले 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरती रही, कच्चे तेल की कीमत गिरती रही, और मैंने कल भी यह बात कही थी कि जो आपकी ऑयल और गैस इंपोर्ट डिपेंडेंसी वो बढ़ती रही, 87.5% है इस साल के पहले 9 महीनों में। पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरती रही, यहां पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही। 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 903 रुपए का सिलेंडर है, 120% बढ़ा है। पेट्रोल 2014 में 71 रुपए पर लीटर था, आज 97 रुपए पर लीटर है, 37% बढ़ा है। डीजल 55 रुपए लीटर था, आज 90 रुपए लीटर है, 64% बढ़ा है। मस्टर्ड ऑयल, आपके सरसों का तेल, 90 रुपए किलो था, आज 143 रुपए किलो है, 60% बढ़ा है। आटा 22 रुपए किलो था, आज 35 रुपए किलो है, 60% बढ़ा है। दूध 35 रुपए का लीटर था, आज 60 रुपए लीटर है। आप ये कहती हैं कि हमने अर्थव्यवस्था के परकच्छे उड़ा दिए। अगर आप इन सब आंकड़ों को संज्ञान में ले